दम में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सेना जमीन घोटाले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। ईडी की विशेष अदालत में हुई आरोपी की पेशी। आपको बता दें कि विशेष अदालत में आरोपी की पेशी हुई है और कोर्ट में पेश किए गए अमित अग्रवाल, दिलीप घोष। पेशी के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ईडी की तरफ से कोर्ट से मांगी गई 5 दिन की रिमांड के बिंदुओं पर कल विशेष अदालत में सुनवाई होगी। तो रांची के बहुचर्चित जमीन घोटाले में ईडी की रांची टीम ने कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को गिरफ्तार किया। दोनों को आज विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां दोनों को पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस दौरान मामले में ईडी ने विशेष अदालत से 5 दिन की रिमांड मांगी। अब इस मामले में कल ईडी की विशेष अदालत में रिमांड के बिंदुओं पर सुनवाई होगी। इन दोनों पर रांची के बरियातू में सेना के कब्जे वाली 4.5 एकड़ जमीन और चेशायर होम रोड की 1 एकड़ जमीन की फर्जी तरीके से खरीद फरोख्त करने का आरोप है। इस मामले में बीते महीने ईडी ने रांची के पूर्व डीसी और निलंबित आईएएस छवि रंजन समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर सेना के कब्जे वाली 4.5 एकड़ जमीन के फर्जी दस्तावेज के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगा हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार चंदन जुड़ गए हैं। चंदन, दोनों आरोपियों को पेश किया गया कोर्ट में, फिलहाल अपडेट आपसे लेना चाहूंगी। सबसे पहले अमित अग्रवाल और दिलीप घोष दोनों को ईडी की विशेष कोर्ट में पेश किया गया। ईडी के अधिवक्ता ने ईडी के विशेष कोर्ट में दोनों के 5 दिनों की रिमांड मांगी है। अब रिमांड के बिंदुओं पे जो बहस है, सुनवाई है, वो कल होनी है। आज दोनों को जेल भेज दिया गया है, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रिमांड के बिंदुओं पे कल जब सुनवाई होगी तब ये स्पष्ट होगा कि रिमांड मिलता है तो कितने दिनों का मिलता है, या फिर दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। दोनों की गिरफ्तारी देर रात ही हुई थी, उसके बाद लगभग 10:30 बजे के आसपास मेडिकल चेकअप के बाद दोपहर में दोनों को ईडी की विशेष कोर्ट में पेश किया गया था। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए चंदन।